अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजर्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी चिकन दम बिरयानी। इसको कच्ची यखनी की बिरयानी भी बोलते हैं। ये 1 किलो चिकन लिया है मैंने, इसको वॉश करके रख लिया है। और आप इसको इस तरह के पीस करवा लीजिए, जो भी आपको साइज़ पसंद हो। और आधा कप से ज़्यादा ऑयल लिया है मैंने, और 1 लेमन जूस, 1 कप फुल दही। टेस्ट के हिसाब से आप चिली पाउडर ले लीजिए, मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। और लौंग मैंने लिए 5, 2-3 लौंग, ये दालचीनी के पीस है। और 2 इलायची और शाहजीरा जिसे कहते हैं, इसको भी मैंने आधा चम्मच लिया है। और नमक जो है टेस्ट के हिसाब से, 1 सारा पूरा धनिया और 1 पुदीना सारा और 5 हरी मिर्च। और प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, डीप फ्राई करके इसको रख लिया है। और अदरक लहसुन जो है इसको भी 2 टीस्पून मैंने भर के लिया है। चले, इन सारी चीज़ों को हम अभी पतीले में डाल लेते हैं। चलिए, हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो चिकन को 1 किलो चावल में, 1 किलो से ज़्यादा आप चिकन ले सकते हो। ये जो धनिया और पुदीना था इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है बारीक। दही तेल, चलिए इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करें आप, ताकि सारे मसाले जो है चिकन में लग जाएं। इसको मिक्स करने के बाद में मैं फ्रिज में इसको 1-2 घंटे के लिए रख दूंगी इसी तरह। चलिए, ये मसाला मिक्स हो गया है, अभी मैं इसको बस 2 घंटे फ्रिज में रख दूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चावल जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको हम सिर्फ अभी 40% तक पकाएंगे, उसके बाद फिर मैं चावल निकाल दूंगी। चलिए, हम ये चावल चेक करते हैं अभी। ये देखिए, चावल अभी हमारे 40% तक हो गए हैं, इस तरह से टूट रहे हैं, ये देख लीजिए। बस अभी चावल अड़ी है, चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिए, मैंने फ्रिज में रखा था चिकन को निकाल लिया है, 2 घंटे कंप्लीट हो गए हमारे। अभी चले, मैं जो चावल मैंने बॉईल किए थे अभी मैं इसमें डालूंगी। इसमें से देखिए मैंने सारा पानी निकाल लिया है। इस तरह से आप कर ली इक्वल। फूड कलर डालेंगे, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो कलरफुल भी बना सकते हो बिरयानी, बड़ा अच्छा लगेगा। धनिया और पुदीना, मैं थोड़ा रखूंगी, थोड़ा बाद में यूज करूंगी। और ये लेमन जूस है, इसको भी मैंने निकाल लिया था। चलिए, अभी मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। इसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, ये यही वही ऑयल मैं यूज करूंगी इस पर। बस आप टेबल स्पून के हिसाब से 4 डाल लीजिएगा। चलिए, अभी हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, और हम इसे अभी 20 मिनट तक चढ़ाएंगे, स्लो आंच पे रखेंगे इसको दम के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चूल्हे पे रख दिया है, अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए फुल उस पर रखूँगी, फुल गैस पे।
और उसके बाद 2 मिनट के बाद जो है फिर मैं इसको बिल्कुल कम कर दूंगी, बिल्कुल स्लो पे। और आप इसके ऊपर कुछ और वज़न रख दीजिएगा ताकि ये स्टीम जो है अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। या आप इसके ऊपर ढक्कन को कपड़ा भी लगा के रख सकते हो। चलें अभी मैं इसको बताऊंगी आपको, 20 से 25 मिनट देखते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगी। चले फ्रेंड्स, हमारे 25 मिनट्स हो गए हैं और हर 5 मिनट में मैंने पतीला पलटा लिया था। आप भी इस तरह से अपनी जगह चेंज करते रहे बार बार पतीले की, 5 मिनट पे। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए, चावल भी गल गए हैं और चिकन भी अच्छा खासा गल गया हो गया है। चलिए मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन दम बिरयानी बनके रेडी हो गई है विद रायता। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मैं फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।